हेलो फ्रेंड्स, विजय क्रिएशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम रिचार्जेबल स्पीकर बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी रिक्वायरमेंट है एक 4 होल्ट का लीड एसिड बैटरी, एक 8 ओहम 0.5 वाट का एक स्पीकर, एक स्विच, उसके बाद हमें चाहिए एक चार्जिंग जैक जिससे कि हम हमारा स्पीकर चार्ज करेंगे। तो फ्रेंड्स, उसके बाद चाहिए हमें कुछ कनेक्टिंग वायर्स जो हमें काम में आएगी सर्किट बनाते वक्त, एक पीसीबी, इसे मैंने कट करके लिया है सर्कल में, और एक दूसरा पीसीबी छोटा वाला। उसके बाद हमें चाहिए एक डायोड 1N4007 का, एक इंडिकेटर एलईडी 1 वैट का, एक रजिस्टर 1K ओहम। और फ्रेंड्स, उसके बाद हमें चाहिए कुछ कंपोनेंट्स, इसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक शॉप से परचेस किया है, आपको भी यह इलेक्ट्रॉनिक शॉप में आसानी से मिल जाएंगे। तो चलो फ्रेंड्स, मैं इसे पहले अनसील कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, यह कैपेसिटर 100 माइक्रोफेरेडे, उसके बाद यह ICLM386, यह 10K का पॉट जिससे हम हमारे स्पीकर का साउंड इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, यह दूसरा वाला कैपेसिटर 10 माइक्रोफेरेडे का, उसके बाद यह रजिस्टर 10 ओहम, यह दूसरा वाला कैपेसिटर 220 माइक्रोफेरेडे, और यह सिरेमिक कैपेसिटर 2, एक 0.1 माइक्रोफेरेडे का है और दूसरा वाला 0.47 माइक्रोफेरेडे। और फ्रेंड्स, हम एक कैन यूज़ करने वाले हैं, ये सीड्स का कैन है, खेती में लगाते हैं जो, और एक कैन चाहिए हमें, और उसके बाद एक हमारा श्रीखंड मिलता है खाने के लिए, उसका एक डिब्बा मैं यूज़ कर रहा हूँ। आगे समझ में आएगा आपको मैं किस लिए यूज़ कर रहा हूँ। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसकी सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन करता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं इसकी सर्किट डायग्राम आपको दो पार्ट्स में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक होगा हमारा बैटरी चार्जिंग का पार्ट, और एक होगा हमारा होल हमारा स्पीकर का सर्किट। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। फ्रेंड्स, हम क्या करने वाले, ये जो चार्जिंग जैक है, इस चार्जिंग जैक का पॉजिटिव टर्मिनल हम बैटरी के पॉजिटिव को कनेक्ट करेंगे, लेकिन कनेक्ट करने से पहले हम एक डायोड 1N4007 का डायोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे, और उसकी जो P साइड है उसको हम बैटरी हमारे चार्जिंग जैक का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करेंगे। फ्रेंड्स, हम इसके बीच में डायोड इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमारा एलईडी जो है वो एनी टाइम ग्लो नहीं करना चाहिए, जब हम चार्जिंग स्टार्ट करेंगे तभी ये एलईडी इंडिकेट करेगा कि चार्जिंग स्टार्ट हुई है। और फ्रेंड्स, जो बैटरी का सॉरी चार्जिंग जैक का जो निगेटिव टर्मिनल है वो हम हमारे बैटरी के निगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे, और इस डायोड की पीछे वाली साइड पर एक रजिस्टर अटैच करके, 1K का रजिस्टर अटैच करके उसको हम एलईडी का पॉजिटिव टर्मिनल अटैच करेंगे, और एलईडी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो हम इस लाइन पे अटैच कर देंगे, यानी कि हम इसे पैरेलली अटैच कर देंगे रजिस्टर और एलईडी। रजिस्टर हम एलईडी के प्रोटेक्शन के लिए अटैच कर रहे थे, और डायोड से क्या होगा, जब हमारे बैटरी पे हमारी एलईडी बैटरी पे भी ग्लो हो सकती है ना, क्योंकि एलईडी का पॉजिटिव टर्मिनल तो जाता है हमारे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को, और नेगेटिव तो जाता है नेगेटिव को, सो एलईडी ग्लो हो सकती है। इसलिए ये डायोड क्या होगा, ये रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं होता, सो हमारी एलईडी ग्लो नहीं होगी। जब हम चार्जिंग स्टार्ट करेंगे तभी हमारी एलईडी इंडिकेट करेगी कि चार्जिंग स्टार्ट हुई है। सो गाइस, ये डायोड लगाने का पर्पस यही है इस सर्किट में। सो इतना क्लियर हो गया आपका। अब हम एक्सप्लेन करेंगे ये आगे वाला हमारे होल स्पीकर का सर्किट। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम स्विच लगाने, मैं आपको ये बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा स्पीकर का सर्किट। यहाँ पे होगा पावर सप्लाई, यानी कि ये जो दो टर्मिनल्स आए हैं ये हुए पावर सप्लाई। तो फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, हमारा जो आईसी है LM386, इसके जो टर्मिनल्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये आप अगर इंटरनेट पर सर्च कर गए तो आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, इस आईसी के फर्स्ट और 8th टर्मिनल को, हमारा कैपेसिटर 10 माइक्रोफेरेडे का इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, ये जो सिंबल है ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का है,
और ये जो सिंबल है ये सिरेमिक कैपेसिटर का है और ये एलईडी का और ये डायोड का। तो फ्रेंड्स हम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर इसे कनेक्ट करेंगे, हम 8 पिन को हमारे कैपेसिटर का नेगेटिव कनेक्ट करेंगे और फर्स्ट पिन को हमारे कैपेसिटर का पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी जो लंबा वाला टर्मिनल होगा वो। और फ्रेंड्स ये हो गया 7 पिन नो कनेक्शन एनसी यानी नो कनेक्शन, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। तो सेकेंड वाला जो टर्मिनल है वो ग्राउंड कर देना है, ये जो लाइन है आपको दिख रही है नीचे इसे मैं ग्राउंड कह रहा हूँ, यानी कि यह जहाँ पर भी मैंने ग्राउंड का सिंबल दिया है वो टर्मिनल जो है हमें सीधे इस लाइन के किसी भी पॉइंट पे कनेक्ट कर सकते हैं सर्किट में हमारे किसी भी पॉइंट पे, इसे हम कॉमन सपोज करेंगे। सो ये हो गया। अब हमारा जो 6 टर्मिनल है हमारे आईसी का वो हम हमारे 100 माइक्रोफैरडे के कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे यहाँ से जाकर यहाँ तक, और जो निगेटिव टर्मिनल है हमारे कैपेसिटर का वो ग्राउंड होगा, यानी कि इस लाइन पे हम कहाँ पर भी इसे अटैच कर सकते हैं, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर एक कॉमन है। सो एक ग्राउंड यहाँ पर इस लाइन पे अटैच होगा, सेकेंड टर्मिनल भी ग्राउंड होगा, फोर्थ टर्मिनल भी ग्राउंड होगा। और हमें क्या करना है, जो थर्ड टर्मिनल है उसे हम सिरेमिक कैपेसिटर 0.1 माइक्रोफैरडे का सिरेमिक कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे। सो सिरेमिक को कुछ पॉजिटिव निगेटिव नहीं है, सो कौन से भी टर्मिनल आप ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं या फिर नीचे। सो इस कैपेसिटर को कनेक्ट करके इस कैपेसिटर का जो दूसरा टर्मिनल है उसे हम हमारे 10K के जो पोर्ट होता है 10K का उसका जो मिडल वाला पिन है उसे हम अटैच करेंगे, और बाकी जो दो पिन से उसके हमारे पोर्ट के उसे हम हमारा ऑडियो इनपुट देंगे, इनपुट ऑडियो इनपुट केबल से यहाँ से। सो फ्रेंड्स ये क्लियर हो गया। अब आगे वाला कनेक्शन, सो जो पिन 5 है और हमारा जो कॉमन है, सो हमें क्या करना है, इस पिन 5 को डायरेक्ट इस कैपेसिटर को, इसकी वैल्यू का आई थिंक 220 होगी शायद, 220 माइक्रोफैरड। सो ये जो फिफ्थ वाला टर्मिनल है पिन, इसे हम हमारे 220 माइक्रोफैरड कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि जो लंबा वाला टर्मिनल है उसको कनेक्ट करेंगे, और इसके बीच में ये जो कॉमन हमारी जो नीचे वाली लाइन है ग्राउंड, इसके बीच में हम इनके लिए 10 ओम का एक रजिस्टर, एक सिरेमिक कैपेसिटर 0.47 माइक्रोफैरड का हम पहले एक रजिस्टर डालेंगे, उसके बाद उसे हम इस कैपेसिटर को अटैच करेंगे, और कैपेसिटर का जो दूसरा वाला बचा हुआ टर्मिनल है उसे हम ग्राउंड कर देंगे यहाँ पर। और फ्रेंड्स हमें क्या करना है, इसका यहाँ से एक कनेक्शन लेके और इस कैपेसिटर का जो निगेटिव है वहाँ से एक कनेक्शन लेके सीधे हमें इसे स्पीकर को अटैच कर देना है, जो ऊपर वाली साइड है स्पीकर के पॉजिटिव को लगेगी और जो नीचे वाली साइड है वो स्पीकर के निगेटिव को लगेगी। स्पीकर के ऊपर पॉजिटिव निगेटिव साइड दिया होता है, सो इसका कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइज ये सर्किट तो मैंने एक्सप्लेन कर लिया। अब यहाँ से हम हमारा 4 होल्ड का पावर सप्लाई देंगे, तो इजी है, पॉजिटिव टर्मिनल हम इस ऊपर वाले साइड पे लगाएंगे और निगेटिव टर्मिनल ग्राउंड पे। आप यहाँ अगर इस कैपेसिटर को लगाया तो भी चलेगा, अगर आप कहाँ पर भी लगा सकते हो, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कहाँ पर। सो आपको क्या करना है, इस कैपेसिटर के निगेटिव टर्मिनल को किस बैटरी का निगेटिव जो टर्मिनल है उसे कनेक्ट कर देना है, और जो पॉजिटिव टर्मिनल आप बैटरी का कनेक्ट करेंगे उसके बीच में सिर्फ आपको एक स्विच अटैच कर देना है बस, जो कि हमारा सर्किट ऑन ऑफ करेगा। और ये जो 10K का पोर्ट है ये जो वो हमारे स्पीकर का वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज करने में हमारे काम आएगा। सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये सर्किट समझ में आया होगा, अगर नहीं आया है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट जरूर करना, फिर से मैं इसके एक वीडियो बनाकर मेरे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे अपलोड कर दूंगा, तो फिर आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट कर दें। फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ, मैंने इस सर्किट डायग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ पर जाकर इस सर्किट डायग्राम को देख सकते हो। अगर आप इस स्पीकर को बनाना चाहते हो तो आप इस सर्किट डायग्राम को रेफर करना, जो कि आपको आसानी से मदद करेगा सर्किट बनाने में। तो चलो फ्रेंड्स पहले मैं कंपोनेंट्स माउंट कर लेता हूँ इस पीसीबी पे। फ्रेंड्स मैंने इस पीसीबी को सर्कुलर शेप में कट किया है, क्योंकि हमारा जो कैन है जिसकी हम बॉडी बनाने वाले हैं स्पीकर के लिए वो भी सर्कुलर ही है, सो उसमें फिक्स करने के लिए और जरा सा अच्छा दिखने के लिए मैंने इसे सर्कुलर शेप में कट किया है। तो फ्रेंड्स मैं पहले कंपोनेंट्स माउंट कर लेता हूँ। आपको ये करते समय सर्किट डायग्राम रेफर करनी है,
तो फ्रेंड्स मैंने 10 माइक्रो फैराडे का जो कैपेसिटर है वो आईसी के सामने ही माउंट किया है दो होल में, जिससे कि हम आईसी की फर्स्ट और एट वाली पिन को उसे कनेक्ट कर सके सोल्डरिंग से। यहाँ पर मैंने 10 ओहम का रजिस्टर डाल दिया आईसी के सामने, जिस तरह मैंने सर्किट डायग्राम में कंपोनेंट्स के सिंबल द्वारा बताया है आपको कैसे माउंट करने हैं, उसी तरह आपको यहाँ पर माउंट करने हैं कंपोनेंट्स। अब एक कैपेसिटर है 220 माइक्रो फैराडे का, वो मैं रजिस्टर की आगे वाली साइड पे माउंट कर रहा हूँ, लंबा वाला टर्मिनल में अंदर वाली साइड पे लगा रहा हूँ, क्योंकि हमें आईसी का जो फिफ्थ पिन है उसे वहाँ पर अटैच करना है। और अब मैं इस कैपेसिटर, ये 0.1 माइक्रो फैराडे का कैपेसिटर है, वो मैंने थर्ड वाली पिन के नीचे माउंट किया है। तब ये कैपेसिटर है 100 माइक्रो फैराडे का, जिससे कि हम हमारा 4 वोल्ट का इनपुट देंगे बैटरी का, वो मैं आईसी के सामने माउंट कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने सारे कंपोनेंट्स माउंट कर लिए हैं, बस हम 10K का पोर्ट इस छोटे वाले पीसीबी पे माउंट करेंगे, क्योंकि हमें इससे एक बटन अटैच करके स्पीकर का जो वॉल्यूम है वो ऑन ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए ज़रा सा इसे बाहर निकालना होगा। सो मैंने इस छोटा वाला पीसीबी लिया था कट करके। फ्रेंड्स इसके कनेक्शंस हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे सर्किट डायग्राम में मैंने एक्सप्लेन किए हैं, बस एक पॉट ही मैंने ज़रा सा अलग निकाला है। तो फ्रेंड्स मैंने इस कैपेसिटर को सोल्डर कर लिया है, इसी तरह मैं बाकी के सारे कंपोनेंट्स जो है वो सोल्डर कर लूँगा, और उसके बाद जितने भी कनेक्शंस पॉसिबल है पीसीबी पे वो मैं सोल्डरिंग से ही कर दूँगा, और बचे हुए कनेक्शंस को मैं वायर से कर दूँगा पीसीबी पे। सो फ्रेंड्स सोल्डरिंग से जितने भी मैं कनेक्शंस कर सकता हूँ पीसीबी पे उससे करूँगा। अगर आपको पॉसिबल है ज़्यादा कनेक्शंस तो आप सोल्डरिंग से ही करें कनेक्शंस, हमारा सर्किट ज़रा अच्छा दिखेगा। सो फ्रेंड्स मैं सारे कनेक्शंस सोल्डरिंग से कर रहा हूँ और कुछ वायर्स यूज़ करूँगा कुछ कनेक्शंस करने के लिए। फ्रेंड्स अगर आपको इस समझ में नहीं आ रहा है तो आप सर्किट डायग्राम रेफ़र कीजिए, मैंने उसको एक्सप्लेन किया है स्टार्टिंग को ही वीडियो के। जो बचे हुए टर्मिनल से वो हम काट देंगे कटर की मदद से। सो फ्रेंड्स जितने कनेक्शंस पॉसिबल थे सोल्डरिंग की मदद से मैंने वो कर लिए हैं पीसीबी पर। अब हम बचे हुए जो कनेक्शंस है वो हम वायर्स की मदद से करेंगे, छोटे छोटे वायर्स यूज़ करेंगे पीसीबी पर। अगर हम सारे ही कनेक्शंस वायर से करते तो हमें ही समझ में नहीं आता कौन सा कहाँ पर लगाना है, सो ये बहुत ही केयरफुली करना पड़ेगा हमें। सो फ्रेंड्स मैं वायर्स यूज़ कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स ये जो सेकेंड वाली पिन थी आईसी की उसे ग्राउंड करना था, सो मैं उसके लिए वायर यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि सारा ही सोल्डरिंग से पॉसिबल नहीं है, सो मैं उसे ग्राउंड कर रहा हूँ। और जो हमारा आईसी का चौथा पिन था उसे भी हमें ग्राउंड करना था, सो मैं उसके लिए भी वायर ही यूज़ करने वाला हूँ। अगर हम इसे सोल्डरिंग से करने जाते तो वो शॉर्ट हो जाता बाजू वाली पिन से आईसी के, सो मैंने यहाँ पर वायर्स यूज़ किए हैं। अब फ्रेंड्स हमें जो आईसी का 6 टर्मिनल है उसे हमें 100 माइक्रो फैराडे के कैपेसिटर के पॉजिटिव वाले साइड पे सोल्डर करना था, सो मैं यहाँ पर भी वायर ही यूज़ कर रहा हूँ। फ्रेंड्स हमें वायर ज़रा अच्छी क्वालिटी की यूज़ करनी है, क्योंकि हमारा जो स्पीकर है बहुत ही अच्छे क्वालिटी का बनने वाला है। तो फ्रेंड्स ये मैंने वायर ली है एक, जो हम स्पीकर के लिए यूज़ करेंगे, जिसे हम स्पीकर अटैच करने वाले हैं। सो मैंने इसे
220 माइक्रो फैराडे के कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल पर और ग्राउंड पे अटैच करके लिया है। और फ्रेंड्स ये दूसरा वाला वायर मैंने लिया है जिससे कि हम हमारा इनपुट का जो पावर सप्लाई है वो देंगे 4 वोल्ट का। ये जो वायर है वो सीधा जाकर हमारे बैटरी को कनेक्ट होगा। आगे आपको समझ में आएगा, प्लीज़ आप वीडियो स्किप मत कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये दो वायर्स को अटैच कर लिया है। यहाँ से हम देंगे हम इनपुट और इस वाली साइड से लेंगे आउटपुट। तो फ्रेंड्स, मैंने ये ग्रीन वाला वायर लिया है, वो मैं 0.1 माइक्रो फैराडे का जो सिरेमिक कैपेसिटर था जो हमने आईसी के थर्ड वाली पिन पे कनेक्ट किया था, वो हमारे पॉट के मिडल वाले टर्मिनल पे लगने वाला है। सो मैंने इसकी वो वायर आउटसाइड निकाल लिए है क्योंकि हमने पॉट भी आउटसाइड ही रखा है। तो मैं जो ये जो वायर निकाला है ग्रीन वाला, तो मैं इस पॉट की मिडल वाली टर्मिनल पे सोल्डर कर रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है कनेक्शंस। फ्रेंड्स, मैंने इस कैन पर कुछ होल्स किए हैं, एक में हम स्विच डालेंगे, एक में हमारा चार्जिंग जैक, एक में होगा हमारा पॉट 10K का और एक में होगा हमारा LED इंडिकेटर। और यहाँ पे पीछे वाली साइड पे हमें ऑडियो केबल डालने के लिए एक होल करना है, वो भी मैंने कर लिया है। और ये जो डिब्बा है मैंने पहले लिया था। तो फ्रेंड्स, इसके ऊपर वाली साइड पे हम हमारा स्पीकर फिक्स करेंगे कुछ इस तरह। तो चलो फ्रेंड्स, मैं इसे कट कर लेता हूँ ज़रा सा। फ्रेंड्स, मैं पहले यहाँ पर एक सर्कल निकल लेता हूँ जिससे कि हमारे काम में परफेक्शन आएगा। फ्रेंड्स, हमारे काम में परफेक्शन होना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसे भी कट कर लिया है और यहाँ पे बाजू से भी मैं कट कर लूँगा। तो फ्रेंड्स, बाकी का बचा हुआ पार्ट मैंने फेंक दिया और ये ही हम यूज़ करेंगे यहाँ पर कैन के ऊपर लगाने के लिए, और यहाँ पर अच्छा भी दिखेगा। तो फ्रेंड्स, चलो इस स्पीकर को चिपका लेते हैं इसके ऊपर। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं ग्लू यूज़ कर रहा हूँ। फेविक्विक गलती से भी यूज़ मत कीजिएगा अगर आप फेविक्विक यूज़ करेंगे, और अगर वो गलती से भी स्पीकर में चला गया तो स्पीकर आपका डैमेज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ग्लू यूज़ करिएगा, या फिर ग्लू के अलावा अगर आपके पास ग्लू नहीं है तो आप सॉल्यूशन भी यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे चिपका लिया है। अब फ्रेंड्स करते हैं अब बैटरी के कनेक्शंस जो मैंने पहले पार्ट में एक्सप्लेन किए थे आपको। तो मैं इस डायोड को लगा रहा हूँ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे। डायोड का जो एन साइड है वो मैंने पॉजिटिव टर्मिनल पे लगा दिया है। अब हम इस रजिस्टर को डायोड की पी साइड पे लगाएंगे, यानी कि पीछे वाली साइड पे। तो मैं इसके एक्स्ट्रा टर्मिनल कट कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने सर्किट डायग्राम में एक्सप्लेन किया है वैसे ही हम कनेक्शंस करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम LED अटैच करने वाले थे, सो मैंने LED अटैच करने के लिए एक वायर का यूज़ किया है क्योंकि हमें LED कैन के ऊपर वाली साइड पे अटैच करनी है। हम यहाँ पर LED भी अटैच कर सकते थे डायरेक्ट, लेकिन हमें समझ में नहीं आएगा कि चार्जिंग स्टार्ट हुई है कि नहीं। सो LED को हमें ऊपर वाली साइड पे चिपकाना है, सो मैंने यहाँ पर वायर्स लगा लिए और इस वायर्स को अब मैं LED को कनेक्ट करूँगा। सो मैंने जो LED का लंबा वाला टर्मिनल था वो मैंने बैटरी के पॉजिटिव से जो वायर आई है डायोड से लगकर, नहीं रजिस्टर से लगकर, उससे कनेक्ट किया है, और नेगेटिव वाला है वो डायरेक्ट हमारे बैटरी के नेगेटिव पे कनेक्ट किया है। सो मैंने इसे भी सोल्डर किया है। जब हम चार्जिंग स्टार्ट करेंगे तब ये LED ग्लो होगा, और हम जब ऑफ करेंगे वो तब ये LED ऑफ होगा। सो फ्रेंड्स, मैं और एक वायर यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर जिसे हम डायरेक्ट चार्जिंग जैक का इनपुट देंगे, वो मैंने डायोड की पीछे वाली साइड पे शोल्डर किया है, और दूसरा डायरेक्ट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे। सो फ्रेंड्स, चलो स्पीकर पे शोल्डर कर लेते हैं वायर्स जो मैंने निकाली थी बाहर। फ्रेंड्स, जो हमारे कैपेसिटर जो है 220 माइक्रो फैराडे का, उससे जो वायर आई है वो हम बैटरी हमारे जो स्पीकर है उसके पॉजिटिव साइड पे लगा रहा हूँ। मैं स्पीकर पे दिया है पॉजिटिव और नेगेटिव।
और उसके बाद ये जो दो वायर्स के हमारे इनपुट की, सो जो ऊपर वाला साइड है वायर का उसे मैंने बीच में कट कर लिया है। आपको समझ में आएगा मैंने इसे क्यों कट कर लिया है, बस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सो फ्रेंड्स अब मैं क्या करूँगा, ये जो वाइट वायर है कट की थी वो मैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे कनेक्ट कर रहा हूँ, और जो ब्लैक है वो डायरेक्ट बैटरी के निगेटिव टर्मिनल पे कनेक्ट किया है। अगर आपने सर्किट डायग्राम का एक्सप्लेनेशन सुना है अच्छे तरीके से तो आपको ये कनेक्शन शायद समझ में आ रहे होंगे, अगर नहीं आ रहे हैं तो आप फिर से सर्किट डायग्राम का एक्सप्लेनेशन सुनिए। एक केबल में यहाँ से इंसर्ट कर लेता हूँ। फ्रेंड्स ये सर्किट बनाते वक्त हमारे कुछ कनेक्शंस रह चुके हैं, अगर आपको समझ में आए हैं वीडियो से पहले, सॉरी स्पीकर वर्क होने से पहले, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं बाद में आपको बताऊंगा कौन से कनेक्शंस रह चुके थे, वो हमने फिर से किए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम हमारा ऑडियो केबल का इनपुट देंगे पोर्ट पर, 10K के पोर्ट पर, जो दो टर्मिनल्स थे 10K के पोर्ट के। मिडल वाले पे हमने जो कैपेसिटर से वायर आया है वो कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर हम ऑडियो केबल कनेक्ट कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स चलो इसे अंदर डाल लेते हैं। स्पीकर को भी हमने वायर कनेक्ट किया है। अब हम इस एलईडी को, एलईडी के लिए जो होल किया था वहाँ पर उस एलईडी को फिक्स कर लेंगे। और ये जो मैंने दो वायर वाइट वायर जो कट किया था वो इसलिए किया था कि वहाँ पर हम स्विच लगाने वाले हैं सर्किट ऑन ऑफ करने के लिए। सो मैंने वो दो वाइट वायर भी बाहर निकाल लिए हैं। तो अब हम इस एलईडी को भी चिपका लेते हैं उसके होल में। 10K का पोर्ट भी मैंने चिपका दिया है, इसे हम ग्लू से टाइट कर देंगे जिससे कि भी थोड़ा भी नहीं हिलेगा। सो फ्रेंड्स मैं चार्जिंग जैक के जो दो टर्मिनल्स है वो मैंने जो बैटरी से चार्जिंग जैक के लिए दो वायर्स निकाले थे उसके ऊपर अटैच कर रहा हूँ। तो चार्जिंग जैक का जो रेड वाला टर्मिनल है वो पॉजिटिव है, सो मैं हमारे बैटरी से आए हुए पॉजिटिव वाले वायर पे ही अटैच कर रहा हूँ। और उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ग्लू लगा दिया है जिससे कि ये कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं स्विच को भी शोल्डर कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने आपको कहा था कनेक्शंस हमारे कुछ रह गए हैं, और ये ऑडियो केबल भी ख़राब था सो मैंने इसे भी रिप्लेस कर दिया है। और हमारा 100 माइक्रोफैरड का जो कैपेसिटर है वो ग्राउंड करना रह चुका था, सो मैंने ग्रीन वायर उसे अटैच करके ग्राउंड किया है 10K के पॉट को। सो फ्रेंड्स हमारा स्पीकर तैयार हो चुका है। अब हम यहाँ पर जो पॉट है उसे हमें टेस्टर से घुमाना पड़ता है, सो मैं यहाँ पर एक हमारे पेन का जो पीछे वाला हिस्सा होता है वो कट करके लिया है, और वो मैं उसे यहाँ पर चिपका रहा हूँ जिससे कि हम आसानी से हमारा जो स्पीकर है उसका वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको डिज़ाइन कैसा लगा? अगर आपको डिज़ाइन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कॉमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।